अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अच्छा तो व्यूअर्स, आज मैं जो रेसिपी बनाने जा रही हूँ वो पकोड़े हैं। तो आज सबसे पहले जो मैं इंग्रेडिएंट लूँगी इसके में, मैंने एक अनियन लिया है। इसको मैंने थोड़ा सा लॉन्गिट्यूडनल वे में मैंने इसको कट कर लिया है। ये आप ऐड करेंगे। तकरीबन मैंने 2 पोटैटोज लिए हैं। 2 पोटैटोज को मैंने कद्दूकश कर लिया है, वो आप इसमें डाल देंगे। जो ये कद्दूकश का पानी, पोटैटो का पानी निकलेगा, वो आपने वेस्ट नहीं करना, वो इसके अंदर एज इट इज डाल लेना। हम जब पकौड़े बनाएंगे तो हम वाटर की क्वांटिटी अपने अकॉर्डिंगली ऐड कर लेंगे बाद में। 2 ग्रीन चिलीज ली है, इसको भी मैं ऐड करूंगी। थोड़ा सा कोरिएंडर लिया है, इसको भी मैं ऐड करूंगी। और कोरिएंडर को ऐड करने के बाद मैं इसमें ग्रीन अनियन लिए हैं, थोड़ा सा ये ग्रीन पार्ट भी और व्हाइट पार्ट भी दोनों मैं इसके अंदर ऐड करूंगी। अच्छा तो ये अब आपने ऐड करने के बाद जो मसाले इसके अंदर डालने हैं, उसमें मैंने सूखा धनिया ले लिया, थोड़ा सा उसको हाथ की मदद से क्रश कर लिया। ये तकरीबन 1 टीस्पून है। 1 टीस्पून मैंने भर के रेड चिली फ्लेक्स लिए हैं, वो भी ऐड करूंगी। 1/2 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने गर्म मसाला लिया है। 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर है, सॉल्ट अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। एंड दिस इज जीरा पाउडर। जीरा को मैंने जीरा और जो ये सूखा धनिया, इसको मैंने रोस्ट करके इसको क्रश कर लिया है। तो आपने इसी तरह से ये सारे इंग्रेडिएंट इसके अंदर ऐड कर देने हैं और फिर हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा बेसन। ये तकरीबन 1 प्याली बेसन है, इसको आपने थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर ऐड करना है कि थोड़ा डाल के हम फिर उसके बाद वाटर की क्वांटिटी देखेंगे, हमें वाटर कितना चाहिए, वो हम वाटर ऐड करेंगे इसमें। अब हम इसमें वाटर ऐड करेंगे। वाटर आप अपनी आप क्वांटिटी के हिसाब से देख लें कि कितना आपको ज़रूरत होगा। तकरीबन मैंने अभी 4 to 5 टेबल स्पून डाले हैं। तो मैं इसको इस तरह से मिक्स कर लूँगी। मुझे लग रहा है मुझे वाटर और ऐड करना चाहिए। आप इसको हाथ की मदद से भी कर सकते हैं, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं, हाथ की मदद से कर लें, नो इश्यूज। लेकिन ये थोड़ा सा हमें इसी तरह की फॉर्म में चाहिए होगा, थोड़ा सा वाटर और ऐड करना पड़ेगा। तकरीबन मैं फिर से 4 to 5 टेबल स्पून ऐड कर रही हूँ। ज़्यादा पानी आप साथ क्वांटिटी के हिसाब से डालें, ज़्यादा ये भी ना हो के थिक बन जाए और ये भी ना हो के ज़्यादा पतला बन जाए। इसको मेरे हैंड वॉश है तो मैं मुझे ज़्यादा सूटेबल लग रहा है कि मैं इसको हाथ की मदद से इसको देख लूँ। देखिए उससे मुझे फिर अंदाज़ा नहीं होना था कि मुझे कितनी क्वांटिटी डालनी है, इससे मुझे अंदाज़ा हो जाएगा कि मुझे कितनी क्वांटिटी चाहिए। इस तरह से आपने इसको तो सारा का सारा मिक्स कर लेना हाथ की मदद से। ये देखें, बस पानी की क्वांटिटी और ज़्यादा आपको नहीं चाहिए, पानी आप इतना ही रखें। बेसन जो है प्याली भर के डालनी है। मैंने 2 टेबल इसमें पोटैटोज ली हैं जिनको मैंने कद्दूकश कर लिया था, और एक ऑनियन है और थोड़ा सा बुकों वाला प्याज, ग्रीन ऑनियन है। इस तरह से आपने करके इसके ये थोड़ा सा ठीक है, थोड़ा सा हम इसमें थोड़ा सा और वाटर ऐड कर देते हैं, हल्का सा 2 to 3 टेबल स्पून, 2 टेबल स्पून विल बी इनफ। ठीक है कि हम ऐड करके, क्योंकि ज़्यादा ज़रा हो जाएंगे तो फिर भी हमें अच्छे नहीं लगेंगे। इस तरह से आपने इसको करके और इसको फिर आपने 5 मिनट्स के लिए रख देना है, उसके बाद हम पकौड़े इसके फिर बनाएंगे। ये देखिए अब आपने इसको रख देना है और आप फिर देखिए बिल्कुल अप्रोप्रिएट बना है, ना ज़्यादा थिक है ना ज़्यादा पतला है। उस तरह से हम इसके पकोड़े बनाएंगे। इसको 5 मिनट्स आप छोड़ दें, उसके बाद उतनी देर तक मैं हीट करती हूँ ऑयल को, उतनी देर में हम फिर ये आगे इसको फर्दर बनाते हैं। अच्छा तो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। मैंने अब ऑयल गर्म कर लिए। ऑयल गर्म करने से पहले बता दूं कि हमारे मिक्सचर रेडी है, लेकिन मैं इसमें बेकिंग पाउडर डालना भूल गई थी, तो वो मैं आपके सामने ऐड कर रही हूँ।
तकरीबन इतना सा हाफ टीस्पून यानी 2 से 3 चुटकियां जो है आपने इसमें बेकिंग पाउडर डालना है। दिस विल बी इनफ, 3 चुटकियां बस बहुत होगी, इतना अपना अंदाजा लगा लें। ये मैं इसमें ऐड करूंगी और फिर इसको मैं मिक्स कर लूंगी। ये मैं डालना भूल गई थी, मैंने कहा इसके बगैर तो पकोड़े ना मुकम्मल हैं, तो मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ। इसको मिक्स कर लूँ मैं, उसके बाद फिर हम अपने पकोड़े बनाना शुरू करते हैं। अब पकोड़े आप हाथ से भी डाल सकते हैं, चम्मच की मदद से भी डाल सकते हैं, जो आपको इजी वे लगे आप उस तरह से डाल लें। हाथ की मदद से ज़रा ज़्यादा अच्छे डलते हैं, तो मैं ऐसे ही डालूंगी। छोटे छोटे पकोड़े बनाने हैं, ज़्यादा बड़े नहीं करने, और मीडियम फ्लेम पे आप कुक करेंगे। ये ना हो कि आप हाई पे करें, हाई पे करेंगे तो फिर अंदर से पकोड़े कच्चे रह जाएंगे। इस तरह से छोटे छोटे सामने पकोड़े बनाने हैं। साइज़ भी ये ना हो कि आपका साइज़ ज़्यादा बड़ा हो जाए, ये साइज़ बिल्कुल अप्रोप्रिएट है, इतने साइज़ में आप सारे पकोड़े बना लें। चलिए जब तक मैं पकोड़े डालती हूँ, जब तक ये रेडी होते हैं, तो सी यू। एक और बात मैं आपको बता दूं कि जब एक साइड कुक हो जाए ना, तब आपने इसकी साइड चेंज करनी है। इसको बार बार आपने हिलाना नहीं है, फिर बीच से जो है, सेंटर से जो है ना, पकोड़े या तो हार्ड हो जाते हैं और फिर पकते भी नहीं है। तो मीडियम फ्लेम पर थोड़ी देर के लिए आपने इसको कुक होने देना है एंड अपने वॉश करने। अब आपको थोड़ा सा ये एफर्ट करनी पड़ेगी, तो जब तक ये रेडी होते हैं तो फिर मिलते हैं। अच्छा तो व्यूअर्स, ये देखें मैं साइड चेंज एक दो दफ़ा कर ली है, ये बिल्कुल परफेक्ट रेडी हो गए हैं पकोड़े। अब मैं इनको डिश आउट करूंगी। इस तरह से करके आप थोड़ा सा इसको रोटेट कर लें, ताकि इसकी कोई पॉइंट ना रहे कि कहीं से ये कच्चे रह जाएं। जब ये पक जाएं तो आप इसको रोटेट करें, प्रॉब्लम नहीं होती, अंदर से सेंटर से ये फिर कच्चे या हार्ड नहीं रहते। अगर आप मतलब पकते हुए प्रोसीजर में करेंगे तो फिर जो है डाउट होता है कि ये हो जाते हैं। मीन वाइल जब मैं कर लिया था, मैंने और भी पकोड़े बना लिए थे, तो मैं इनको सबको डिश आउट कर रही हूँ। ये डिश आउट हो गए हैं हमारे पकोड़े। ओके व्यूअर्स, तो ये पकोड़े रेडी हैं। डू ट्राई दिस रेसिपी एंड यस, आई विल गिव यू द रेसिपी ऑफ माय ग्रीन चटनी। डू ट्राई दिस वन सो टू, इट्स टेस्ट वेरी यमी। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।